अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है सोनी का, एलसीडी टीवी है। तो इसमें फॉल्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैपिंग फॉल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें मैपिंग फॉल्ट है, जैसा कि मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है अभी इसकी। तो ये इसमें फॉल्ट है मैपिंग का, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह इसका मैपिंग फॉल्ट आ रहा है। अभी थोड़ी पिक्चर सॉफ्ट वैसे नज़र आ रही है। तो होता यह है कि थोड़ी देर चलने के बाद जब थोड़ा सा हीट होता है सेट, तो फिर इसकी जो मैपिंग फॉल्ट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। ये इसमें फॉल्ट है, तो थोड़ी देर चलने के बाद ये सेट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैपिंग फॉल्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे तो ये फॉल्ट जो है, ये इसके LVDS केबल का फॉल्ट लगता है, जो कि थोड़ी देर हीट होने के बाद अगर सेट जो है वो अपनी ठीक हालत में आ जाता है, तो ये फॉल्ट जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी इस तरह की पिक्चर आ रही है, ठीक है। तो जब ये सेट हीट होता है तो फिर ये पिक्चर इसकी ठीक हो जाती है। तो बहरहाल चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके देखते हैं क्या हर इसमें क्या फॉल्ट है। तो जी फ्रेंड्स, मैंने रिमूव कर लिया बैक कवर को। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड, ये इसका मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपको दिखाया कि इसमें मैपिंग फॉल्ट है, ठीक है। तो जो मैपिंग फॉल्ट होता है वो रिमोट से ठीक हो जाता है, लेकिन जो फॉल्ट वो होता है कि मसलन ये थोड़ी देर हीट होने के बाद अगर मैपिंग फॉल्ट ठीक हो जाता है, तो फिर कहीं पर लूजिंग हो सकती है, ठीक है। ख़ास तौर पे लूजिंग जो है LVDS जो केबल होती है, वहाँ पे लूजिंग हो सकती है। इस जैक में भी हो सकती है, या फिर जहाँ पे ये टीकोन बोर्ड लगा हुआ है, ये जो जैक है LVDS का, यहाँ पे भी सम टाइम ऐसा होता है कि इसके प्रिंट जो है ख़राब हो जाते हैं। ये प्रिंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके कनेक्शन जो हैं इसमें नमी की वजह से, डस्ट की वजह से, तो ऊपर डस्ट वगैरह जब जम जाती है तो फिर भी ये मैपिंग फॉल्ट आता है। अगर मैपिंग फॉल्ट जो है वो थोड़ी देर चलने के बाद ठीक हो जाता है, तो इस LVDS केबल का फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। इस जैक का भी फॉल्ट होता है, यहाँ पे भी हम चेक कर लें कि यहाँ पे अगर इस तरह का फॉल्ट होकर, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं इस प्रिंट को भी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कहीं ये लूज़ तो नहीं, इस तरह आप इसको यहाँ पर ऐड करके आप इसको देखें, अगर लूज़ है तो आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें, ठीक है। इस जैक को आप थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे तो ये फिर टाइट होकर जब इसमें ऐड होगा, तो फिर आपका जो लूजिंग फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हैं इस जैक के ऊपर, तो यहाँ पे भी अगर ये भी कहीं कोई इसकी पिन लूज़ होगी, तो फिर भी अगर सिग्नल पूरे नहीं मिलेंगे तो फिर ये मैपिंग फॉल्ट आएगा, जो मैपिंग फॉल्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये LVDS का फॉल्ट होता है बस, इसके अलावा कोई फॉल्ट नहीं। यहाँ पर ये लूजिंग हो सकती है, या फिर ये जो हम जैक होता है इसमें डस्ट वगैरह नमी की वजह से डस्ट वगैरह आ जाती है, तो फिर ये जंग लग जाता है इसमें, तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आता है, ठीक है। तो हम अभी करेंगे क्या कि इसको भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे कहीं ये लूज़ ना हो आपस में। इसके अलावा ये भी चेक कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से इसको साफ़ करके दोबारा लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। तो जी मैंने इसको अच्छी तरह से रेगमार के साथ पहले साफ़ किया, साफ़ करने के बाद इसको अब लगा दिया, यहाँ से इसको प्रेस किया थोड़ा सा। तो अभी मैंने इसके ऊपर टेप भी कर दिया कहीं ये लूज़ ना हो, ठीक है। तो जब ये लूज़ हो जाएगी तो फिर भी ये फॉल्ट आ सकता है मैपिंग का, ठीक है। तो अभी मैंने इसके ऊपर टेप कर दी है, इसको जैक को भी लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको पावर देते हैं, पावर दे के अब चेक करते हैं कि इसमें ये हम इसको केबल लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके सेट, ठीक है, अब कोई फॉल्ट नहीं मैपिंग का, ठीक है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। तो जब मैपिंग का फॉल्ट जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है सम टाइम चलने के बाद, हीट होने के बाद अगर फॉल्ट जो है वो ठीक हो जाए, तो फिर ये कहीं लूजिंग हो सकती है, ठीक है, LVDS केबल के अंदर टीकोन लगा है, या फिर पैनल है, पैनल में भी लूजिंग हो सकती है, या फिर ये खास तौर पे ज़्यादातर अमूमन यहाँ पे ये LVDS केबल है इसमें फॉल्ट होता है। ये समटाइम जब लूज़ हो जाती है तो फिर मैपिंग फॉल्ट आता है इस तरह का, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं सेट हमारा इस वक्त ओके, बिल्कुल ठीक है।